ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। पिछले कुछ दिनों से एक महिला पुरानी नगमों को गाती हुई नजर आई और रातों रात सोशल मीडिया इंटरनेट पर छा गई। 1972 में आई पिया का घर नगमा एक महिला ने रेलवे स्टेशन पर, जो राणा घाट स्टेशन पर गा रही थी, लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया और इसे वायरल कर दिया। लता मंगेशकर ने गाना गाया है और आज स्वर कोकिला नाम से लोग पुकारते हैं। जी हां, आप चौंकिए मत, सुनिए इस महिला की वो सुरीली आवाज। कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला। कुछ जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। कहते हैं ईश्वर अल्लाह जब चाहे जिसे माला माल कर दे, पल में किस्मत बदल दे, ये कोई नहीं जानता है। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक महिला है जो वेस्ट बंगाल राणा घाट स्टेशन पर बैठी गाना गा रही थी। कुछ लोगों ने उसे रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वेस्ट बंगाल की महिला इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया में हर तरफ छा गई। लेकिन ये महिला की सुरूली आवाज़ लता मंगेशकर से कम नहीं है। 1972 में आई पिया का घर प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, महिला की सुरूली आवाज़ में सुने। और इस गाने को गाते ही रातों रात महिला सुपरस्टार बन गई। हर जगह पर ये महिला का चर्चा चल रहा है। यही नहीं, इस महिला ने और भी कई पुराने नगमे गाए हैं। और अब इस महिला की पहली तस्वीर देखें और अब ये महिला की दूसरी तस्वीर है। पल में ये महिला सुपरस्टार बन गई। इस महिला का नाम रानुका मंडल है, वेस्ट बंगाल के राणा घाट स्टेशन पर गा रही थी। सजना के माने ना ये पगला है, समझाने से समझे ना ये पगला है, समझाने से समझे ना। धक धक बोले सस बोले बिन रहना ये पगला है, समझाने से समझे ना ये पगला है, समझाने से समझे ना। हो,
मैं तो मांगू साजन रहे सलामत मेरा सजना और सजना कामगन, इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना। ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। संगीत कुछ ऐसा ही है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सुरों से बात करने वाली महिला लता मंगेशकर से कम नहीं आवाज है, सुरीली आवाज है। और जब पुराने गानों की अगर बात किया जाए तो उनकी बात ही कुछ और है। और रानुका महिला ने अपनी सुरीली आवाज़ में दुनिया भर में हुई फेमस। उसके सुरीली आवाज़ को सुनकर हर कोई खुशी से झूम उठा। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।